शौचालय कब बना आपके घर? 5 साल के पहले का बनल है। 5 साल हो गए। हाँ। अच्छा, शौचालय के बिना कैसे काम चलाते थे जब नहीं था? अरे दिक्कत से। हाँ। कैसे दिक्कतें होती है? अरे दिक्कत होती है, खेते में जाते हैं, डरते हैं जानवर के लिए परेशानी दिक्कत रहल है। तो शौचालय जिंदगी में कैसे बदलाव लाया? बदला गया जैसे प्रधान हुआ लाल जी, उससे कहा कि हमको शौचालय दा, तो वो बनवाया। तो इस शौचालय को श्रेय किसको देती हैं? मोदी। उन्होंने क्या है? मोदी देता। क्या वो कहेंगे? वो कहे कि यार भाई हमारे लिए मोदी मदद करिए। क्या नाम है आपका? दीनानाथ यादव। दीनानाथ जी, आपको स्वच्छ भारत शौचालय योजना के बारे में कैसे पता चला? ओ, ग्राम प्रधान से चला। कब बने आपके यहाँ शौचालय? हमारे के अंत अगले 5 साल पहले बन गया है। हाँ। तो आपके घर में शौचालय आने के बाद जब नहीं था तो आप कैसे आप लोग काम चलाते थे? वो हम लोग खेत में जाते थे। अच्छा, और आपके घर में शौचालय बनने के बाद आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया है? ठीक है, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। अब घर में शौचालय में करते हैं। अच्छा। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। विनोद जी, आपको आपके घर में शौचालय कब बना? हो गया मैडम कम से कम 5-6 महीने, 6 महीने, 7 महीने है। तो आपको स्वच्छ भारत शौचालय योजना के बारे में कैसे पता चला? मैडम प्रधान जी से भाषण की जब से मतलब पता चला कि मतलब कि सब बाल बच्चे बाहर जा रहे थे। हाँ। और उसके बाद प्रधान जी बताए कि मतलब कि शौचालय अपना बनवा लीजिए भाई, जो बाल बच्चे हैं जानवर वानवर सब डर लगते थे। अब मोदी जी दिया, सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। ठीक। अच्छा, और शौचालय जब नहीं था तो काम कैसे चलाते थे आप लोग? दिक्कत होती थी बहुत, अब दिक्कत थोड़ा अब नहीं है दिक्कत। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, आपको स्वच्छ भारत शौचालय योजना के बारे में कैसे पता चला? वो देखे थे मोदी जी का चल रहा था भाषण, इसीलिए। अच्छा, तो शौचालय कब बना आपके घर? हो गया दो तीन महीना। अच्छा, तो जब शौचालय नहीं था तब कैसे काम चलाते थे आप लोग? बाहर जाते थे, दिक्कत होता था, अब नहीं है। आपके घर में बनने के बाद जिंदगी में कैसे बदलाव आया है? बहुत अच्छा है, सही है। श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय किसको देंगे शौचालय का? मोदी जी को। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार यादव। रमेश जी, जो स्वच्छ भारत शौचालय योजना है इसके बारे में आपको कैसे पता चला? हम लोग टीवी देखते थे तो मोदी जी के भाषण में सुने कि मतलब स्वच्छ भारत के लिए शौचालय गांव-गांव दिया जा रहा है। तो हम लोग भी मतलब अपने गांव के प्रधान जी से कहे कि हमको भी शौचालय चाहिए, तो बोले कि भाई आपको मिलेगा, आया है, हम दे देंगे। हम लोग गांव-गांव जाके मतलब गांव से बाहर जाते थे, मतलब खेत को खरियान जाते थे, तो हम लोग कीड़ा बिछी की डर लगती थी, औरतें तो मारे डर के जाती नहीं थी। उसके बाद मतलब किसी तरह से हम लोगों को मिला, अब जब से मिल गया है हमको ऐसा लगता है कि हम लोग अब जीवन या इंसानों के जी रहे हैं। तो कब बना, कितना समय हो गया? अरे बनते बने करीब 6-7 साल हो गया। अच्छा। हाँ। तो श्रेय किसको देते हैं? हम मोदी जी को देते हैं, जब से हमारे जीवन में बदलाव आया तो हम उन्हीं को देंगे ना, उसके पहले तो हमारी कठिनाइयां उन्हीं ने झेले हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार मिश्रा। रमेश जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो लोग कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। शौचालय कब बना आपके यहाँ? हम लोगों का शौचालय मोदी जी की सरकार में बना है। कितने साल हो गए लगभग? वही 5-6 साल हो गया। स्वच्छ भारत शौचालय योजना के बारे में कैसे पता चला आपको? जन सूचना से पता चला, रेडियो से चला, समाचार पत्रों के द्वारा पता चला।